हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आज से हमारा बायोलॉजी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। देखिए बेसिकली यदि हम बात करें एमपी बोर्ड की, तो देखिए एमपी बोर्ड में जो चैप्टर वन है वो रिड्यूस कर दिया गया है, तो यहाँ पर हम चैप्टर टू से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए चैप्टर टू हमारा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो देखिए फ्लावरिंग प्लांट में यदि हम बात करें पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की, तो देखिए यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, पुष्पों की बात की जा रही है यानी कि पुष्पीय पौधों की। तो बेसिकली बात किसकी की जा रही है, पौधों में बात की जा रही है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन होता क्या है। तो देखिए लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें विशिष्ट जनन इकाइयां जिन्हें युग्मक या हम गैमेट कहते हैं, इनका निर्माण होता है और ये युग्मक एक कोशिका या कभी कभी केवल एक केंद्रक के बने हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि जो लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक विशिष्ट जनन इकाइयाँ जो होती है, जैसे मान लीजिए एक तो हमारा मेल हो गया और दूसरा फीमेल, तो यहाँ पे आपको देखना है कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो एक गैमेट का फॉर्मेशन कहते हैं। यदि वो मेल है तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, यदि फीमेल है तो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। तो आपस में होता क्या है कि ये जो विशिष्ट जनन इकाइयाँ जो है जैसे गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं, तो मादा युग्मक के द्वारा मादा युग्मक को उत्पन्न किया गया और नर के द्वारा नर युग्मक बना गया, यानी यहां पे मुख्य रूप से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और ये गैमेट जो आपस में बनते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है ये कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, यानी मुख्य रूप से ये जो युग्मक होते हैं एक कोशिका या कभी कभी केवल एक केंद्रक के भी बने हो सकते हैं। गैमेट में यहाँ पे आपको देखना है कि दो कंडीशन हो सकती है, पहली कि या तो गैमेट जो बने हैं वो एक कोशिकीय होते हैं यानी कि यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, या कभी कभी ऐसे होते हैं जो कि खाली उनमें एक केंद्रक बस होता है, यानी उनमें जो कोशिका होती है वो भी नहीं पाई जाती है, मात्र केंद्रक पाया जाता है। तो आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि जो लैंगिक जनन होता है बेसिकली एक ऐसा जनन है जिसमें विशिष्ट जनन इकाइयां जिन्हें हम युग्मक कहते हैं, यानी लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक फिर आपस में क्या करते हैं, संयुग्मन करते हैं यानी आपस में मिलते हैं। तो देखिए इस जनन में दो युग्मक आपस में एक द्विगुणित कोशिका बनाते हैं, यानी आपस में जो अगुणित कोशिका यानी आपस में जो नर व मादा युग्मक आपस में बनेंगे वो जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं। यानी आपस में जो गैमेट होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं, और जायगोट के बाद फिर क्या बनता है, भ्रूण बनता है, और भ्रूण से फिर क्या होता है, एक नए पौधे या नए जीव का विकास हो जाता है। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है कि जो विकसित पादप होते हैं उनमें युग्मक बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक तो नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट और दूसरा मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट। तो आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि यदि हम बात करते हैं किसी प्रकार से लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन के लिए यहां पर आपको याद रखना है कि दो से तीन कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या होगी कि लैंगिक जनन में क्या होता है कि युग्मक का निर्माण होता है यानी गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है किसमें, गैमेट फॉर्मेशन होता है लैंगिक जनन या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है यानी यहां पे आपको पहली चीज क्या देखनी है कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और लैंगिक जनन की दूसरी विशेषता क्या है कि इनमें निषेचन होता है यानी इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो भी वेल डेवलप्ड होता है यानी फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो आपको याद रखना कि यदि लैंगिक जनन है तो उसमें फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया भी होगी, क्योंकि गैमेट आपस में मिलेंगे तो गैमेटों के मिलने की जो क्रिया होती है वही तो फर्टिलाइजेशन कहलाती है। आपस में जब नर व मादा युग्मक मिलते हैं और मिलकर के एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं यानी कि जायगोट का निर्माण करते हैं, यही क्रिया तो क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो लैंगिक जनन के लिए तीन कंडीशन होती है। देखिए पहला क्या है कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा यानी कि गैमेट बनेंगे, युग्मक बनेंगे आपस में। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है कि युग्मक जब आपस में मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, यानी दूसरी प्रोसेस क्या है या हम कह सकते हैं दूसरी विशेषता क्या है लैंगिक जनन की, कि इनमें निषेचन होता है। अब देखिए इनमें जब निषेचन होता है तो आपको याद रखना है कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस का मतलब होता है दोस्तों यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो देखिए यदि लैंगिक जनन हो रहा है तो उसमें मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि
लैंगिक जनन की ये विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है कि इनमें गैमेट का निर्माण होगा, दूसरी विशेषता है कि निषेचन होता है, और तीसरी विशेषता क्या है कि मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन जो है लैंगिक जनन में मुख्य रूप से पाया जाता है। अब देखिए लैंगिक जनन की यदि बात हो रही है तो हमने क्या कहा कि लैंगिक जनन में सबसे पहले तो गैमेट का निर्माण होता है, यानी आपस में मान लीजिए मुख्य रूप से दो गैमेट बने, एक तो हमारा क्या बन गया ये मेल गैमेट हो गया और दूसरा क्या हो गया ये हो गया फीमेल गैमेट हो गया। तो आपको क्या देखना है कि जो आपस में युग्मक बने हैं यानी जो गैमेट बनते हैं ये आपस में मिल करके क्या बनाते हैं एक द्विगुणित, यानी आपस में ये अगुणित कोशिकाएं हैं और ये आपस में मिल करके क्या बनाएंगी अगुणित कोशिकाएं यानी हेप्लॉइड सेल मिल करके आपस में डिप्लॉइड सेल यानी कि द्विगुणित कोशिका का निर्माण करेंगी जो कि क्या कहलाता है जाइगोट कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि लैंगिक जनन में क्या होता है आपस में युग्मक बनते हैं, एक तो हमारा नर युग्मक दूसरा मादा युग्मक और ये आपस में मिल करके जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से ये युग्मनज या जाइगोट जो है आगे चल के भ्रूण में विकसित हो जाते हैं और फिर उससे नया पौधा या नए जीव का विकास करते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि लैंगिक जनन में बेसिकली होता क्या है कि आपस में युग्मकों का निर्माण होता है जो कि आपस में मिल करके निषेचन करते हैं यानी फर्टिलाइजेशन करते हैं और उसके थ्रू जो है जाइगोट का यानी कि युग्मनज का निर्माण करते हैं और यह युग्मनज ही विकसित होकर के एक नए पौधे या नए जीव का निर्माण करते हैं। और पौधों में यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से जो विकसित पौधे होते हैं उनमें दो भी प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक तो नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक यानी कि मेल गैमेट और दूसरा क्या है फीमेल गैमेट। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया कि जो उच्च वर्गीय पौधे होते हैं यानी जो हायर प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है जैसे कि आवृतबीजी पौधे जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें जो पुष्प होता है यानी जो फ्लावर होता है मुख्य रूप से पुष्प ही क्या होता है प्रजनन अंग यानी जनन अंग का कार्य जो है कौन होता है पुष्प ही प्रजनन अंग होता है यानी पुष्प में ही प्रजनन अंग जो है वो उपस्थित होते हैं। यानी जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं ये उच्च वर्गीय पौधों में जो है पुष्पों में ही विकसित होते हैं तो मुख्य रूप से पुष्प ही पौधों के प्रजनन अंग होते हैं, ये आपको याद रखना है। और बेसिकली हायर प्लांट में यानी जैसे कि एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं जो आवृतबीजी पौधे होते हैं इनमें जो पुष्प होता है ये ही प्रजनन अंग का कार्य करते हैं क्योंकि इनमें ही प्रजनन अंग जो है उपस्थित होते हैं प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये अत्यधिक विकसित होते हैं, इन पौधों में अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं, कई सारे ऐसे एडाप्टेशन या अनुकूलन भी पाए जाते हैं जिसके थ्रू ये पौधे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कर पाते हैं। और देखिए यहाँ पे उच्च वर्गीय जो पौधे हैं उनमें ऐसे कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं जो कि प्रजनन के लिए या जनन के लिए सहायता करते हैं। तो देखिए सबसे पहला अनुकूलन क्या पाया जाता है कि बीजों का निर्माण होना, जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं यानी कि जो भी उच्च वर्गीय पादप होते हैं उनमें बीजों का भी निर्माण होता है। देखिए प्रोसेस पहले बीज का निर्माण तो बाद में होगा, मतलब यहां पे अनुकूलन की बात की जा रही है यानी अनुकूलन कौन कौन से होंगे। तो देखिए बीजों का निर्माण होता है, अब जब सीड का फॉर्मेशन हो जाता है तो सीड का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है जो कि भ्रूण को सुरक्षित रखने वाली विशिष्ट रचना है, यानी जो भ्रूण होता है वो सीड यानी कि बीज के अंदर ही सुरक्षित रहता है और जब हम बीज को बोते या दबाते हैं जमीन पर गाड़ देते हैं उसके बाद क्या होता है उससे नया प्लांट जो है विकसित हो जाता है। तो बेसिकली बीजों का निर्माण होता है जो कि भ्रूणों को सुरक्षित रखने वाली एक विशिष्ट प्रकार की रचना होती है। तो भ्रूण जो होते हैं कहां सुरक्षित रहते हैं बीजों के अंदर ही सुरक्षित रहते हैं। देखिए दूसरा अनुकूलन क्या पाया जाता है, जो भी उच्च पौधे होते हैं यानी कि उच्च वर्गीय पौधे होते हैं उनमें जो नर युग्मक होते हैं नर युग्मकों में गतिशीलता का नहीं पाया जाना। देखिए बेसिकली यहाँ पे आप जब एनिमल्स में जाएंगे तो वहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी अलग हो सकती है, वहाँ पे क्या होता है जो नर युग्मक या मेल गैमेट होता है वो मोटिलाइज्ड होता है वो गतिशील होता है, लेकिन यदि हम बात कर रहे हैं प्लांट में तो प्लांट में क्या होता है जो नर युग्मक होते हैं उनमें गतिशीलता जो है बेसिकली नहीं पाई जाती है। अब देखिए जब गतिशीलता पाई ही नहीं जाती है तो ये मादा युग्मक तक पहुंचेंगे कैसे, तो देखिए ये नर युग्मक जो होते हैं ये परागण की क्रिया के द्वारा पराग कणों के माध्यम से पुष्प के मादा भाग तक पहुंचते हैं। देखिए नर युग्मक जो है परागण की क्रिया होगी, परागण की क्रिया में क्या होता है जो नर युग्मक है वो कहां पहुंचेगा वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा
और देखिए वहां पर पहुंचने के बाद जो है मादा भाग तक पहुंचेंगे, यानी परागण के पश्चात जो नर युग्मक होते हैं ये पराग नलिका के माध्यम से मादा युग्मक तक निषेचन हेतु पहुंचते हैं। देखिए जैसे ही क्या होता है, परागण होता है, उसके बाद पराग नलिका का भी फॉर्मेशन हो जाता है, तो पराग नलिका के माध्यम से ही क्या होते हैं जो नर युग्मक होते हैं वो मादा युग्मक तक पहुंचते हैं, और मादा युग्मक तक पहुंचते हैं उनके बाद क्या होता है निषेचन की क्रिया जो है आपस में संपन्न होती है, क्योंकि जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलेगा तो आपस में इनके मिलने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। तो देखिए बेसिकली दूसरा अनुकूलन क्या होता है कि नर युग्मक जो होते हैं वो गतिशील नहीं होते हैं। अब जब गतिशील नहीं होते हैं तो पहुँचते किसके माध्यम से हैं, तो परागण की क्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप वो वर्तिकाग्र की सतह पर पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ से पराग नलिका का फॉर्मेशन होने लगता है और पराग नलिका के थ्रू ही नर युग्मक जो है भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद के अंदर मादा युग्मक से मिलता है और आपस में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो यानी पहला यहां पे अनुकूलन क्या था कि जो बीजों का फॉर्मेशन होता है और ये बीज जो है भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करते हैं, और दूसरा अनुकूलन क्या होता है कि इसमें पराग नलिका का निर्माण के लिए ये जो है प्रेरित करते हैं और पराग नलिका के थ्रू ही नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। देखिए तीसरा क्या है कि इनमें युग्मकोद्भिद जो है यानी गैमेटोफाइट्स जो हैं वो पीढ़ी अत्यंत छोटी होती है तथा यह प्रायः युग्मकों के रूप में ही होती है, यानी गैमेट्स के रूप में ही जो इनकी अवस्था होती है मुख्य रूप से गैमेटोफाइट्स की वो किसके रूप में होती है गैमेट्स के रूप में होती है। अब देखिए यहाँ पे जो लैंगिक जनन है यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इससे कई सारे प्रॉफिट या कई सारे लाभ हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए पहला लाभ क्या है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहला प्रॉफिट क्या है कि जो लैंगिक जनन होता है इसमें बेसिकली दो विभिन्न जनकों में बनने वाले युग्मकों का संलयन होता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यानी आपस में दो युग्मकों का संलयन होगा, एक तो होगा नर युग्मक और दूसरा क्या होगा मादा युग्मक। इसके फलस्वरूप क्या होता है विभिन्नता यानी कि वेरिएशंस डेवलप होती है, विभिन्नता पैदा होती है जो कि जीवों के अनुकूलन तथा विकास में सहायता करती है। ये आपको काफी ध्यान में रखना है क्योंकि यह लैंगिक जनन का महत्वपूर्ण लाभ है। क्या लाभ है कि लैंगिक जनन में क्या होता है चूंकि दो अलग अलग युग्मक मिलते हैं, अब चूंकि दो अलग अलग प्रकार के युग्मक मिलते हैं तो उनमें अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर होंगे, और आपस में जब ये दोनों नर युग्मक व मादा युग्मक मिलेंगे उससे क्या होता है उससे जो नया जीव बनता है उसमें दोनों के कुछ कुछ लक्षण रहेंगे, तो कुल मिलाकर के इससे क्या होती है विभिन्नता पैदा होती है। अब यहाँ पे यदि एक जनक होता तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि एक जनक से जो उत्पन्न संतानें हैं वो समान ही होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपस में दो जनन मिल रहे हैं और दो जनकों के जो युग्मक मिल रहे हैं उनमें अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर हैं, तो यानी जो नया जीव बनेगा उसमें भी कुछ कैरेक्टर जो है न्यू होंगे, यानी कुछ ना कुछ विभिन्नता जो है वो देखने को मिलती है जो कि जीवों को अनुकूल तथा विकास में सहायता करती है। देखिए दूसरा प्रॉफिट क्या है कि जो लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनसे बनी जो भी संततियां या जो भी नए जीव होते हैं इनमें नए गुणों के बनने की संभावना जो है बनी रहती है, यानी हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में चूंकि युग्मक ही अलग अलग प्रकार के मिलते हैं तो अलग अलग प्रकार के नए गुणों के बनने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है। देखिए तीसरा प्रॉफिट क्या है इसमें से कि इस प्रजनन से जो बनी संतानें होती है यानी लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो भी संतानें बनती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी संतानें बनती है जो भी नए जीव बनते हैं उनमें तीव्र अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है, यानी उनमें ज़्यादा अनुकूलन एडाप्टेशन यानी अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेने की क्षमता जो है विकसित होती है। तो यहाँ पर लैंगिक जनन से कई सारे प्रॉफिट हैं जो कि पेपर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। देखिए लैंगिक जनन से कुछ हानियां भी है जिसको हम देखते हैं, तो लैंगिक जनन से वैसे बेसिकली लाभ है लेकिन कुछ हानियां भी है जिनको आपको ध्यान में रखना है। देखिए पहली हानि या डिसएडवांटेज क्या होता है कि इस प्रजनन में कुछ जीवों को यदि हम छोड़ दें तो बाकी जो बचे शेष जीव होते हैं उनमें दो जनकों की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए लैंगिक जनन क्या कहता है कि आपस में जब तक दो जनक नहीं मिलेंगे यानी जब तक दो जनक नहीं होंगे क्योंकि दोनों जनक से अलग अलग प्रकार के युग्मक प्राप्त करने हैं, तो जब तक दो जनक नहीं होंगे लैंगिक जनन की प्रोसेस जो है संपन्न नहीं हो सकती है। तो यानी लैंगिक जनन की एक ये भी हानि है कि इसमें सिंगल जो पेरेंट्स है यानी कि जो सिंगल जनक है वो एक नई कोशिका का फॉर्मेशन नहीं कर सकते यानी एक नए जीव का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन ये है कि
आपस में दो जनकों का होना आवश्यक होता है लैंगिक जनन में। तो पहली हानि ये भी आप कह सकते हो कि इसमें जब तक दो जनक आपस में नहीं होंगे लैंगिक जनन की प्रोसेस संपन्न नहीं कराई जा सकती है। देखिए दूसरी हानि क्या होती है कि इस प्रजनन से बनी संतानें जो होती है उनमें विभिन्नता अधिक होती है जिससे मूल गुणों के ह्रास होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब चूंकि मान लीजिए जैसे कोई अच्छे गुण थे पेरेंट्स में, मान लीजिए कुछ अच्छे गुण थे लेकिन उसके साथ जब पेरेंट्स के युग्मक के साथ जब मादा का युग्मक मिला तो हो सकता है कि उसमें अच्छे गुण ना रहे हों। और मान लीजिए यदि वो अच्छे गुण जो नहीं थे वो यदि प्रभावी हो जाते हैं तो आपस में क्या होगा कि जो नई संतान होगी उसमें कुछ जो अच्छे गुण थे उनका क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि कुछ अच्छे गुणों का ह्रास भी हो जाता है क्योंकि आपस में दो जनकों के युग्मक मिल रहे हैं तो हो सकता है कि अच्छे गुण ना आए वहां पे। तो यहां पे आपको दूसरा हानि क्या है कि इस प्रजनन से जो भी बनी संतानें होती है उनमें यदि विभिन्नता ज्यादा पैदा हो जाती है तो जिससे मूल गुणों का भी ह्रास हो सकता है। तो यहां पे दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी और जो भी दोस्तों चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।